सो गाइस आपको जितेंद्र जी का बंगला दिखा दिए हैं, उस पर एकता कपूर रहता है और यहीं बाजू में एक गार्डन है, गार्डन के बाजू में अमिताभ बच्चन सर जी का भी बंगलो है, वो भी दिखा देते हैं, जो कि उसका दूसरा बंगलो है, एक जुहू बीच पे और एक इधर है उसका जी कृष्णा बंगलो है उसके सामने है। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ, चलिए आगे जा रहे हैं, तो इधर ही से चल रहे हैं, तो बस अभी आगे जा रहे हैं, आगे से दिखाते हैं आपको अच्छी तरह से। पीछे रोड है, गाड़ी चल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस इधर आ तो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है इधर कौन सा घर है और इधर कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है कि उससे पूछ करके बता दे। झूठ तो नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला बंगला उसका है उसका है, लेकिन कोई है नहीं, देखते हैं अगर कोई मिलेगा तो बता देंगे, यदि कोई नहीं मिलेगा तो नहीं दिखा पाएंगे। तो गाइस आप आओ तो ऑटो वाले को ना पूछो, क्योंकि ऑटो वाला बहुत ही घुमा फिरा के बोलता है। ऑटो वाले को पूछे तो बोलता है लंबा है, बट किसी और को पूछे सलून वाला दुकान से पूछे तो वो बोला कि नहीं इधर नज़दीक में, सीधा सीधा चले जाओ। चलते हैं आगे और आगे से आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। वो नया वाला बंगलो नहीं है, जूना वाला बंगलो है, पुराना वाला बंगला है। चलो अभी चलते हैं, दिखाते हैं, यही अमिताभ बच्चन जी का घर। तो फिलहाल अभी इधर से जा रहे हैं, देखते हैं वीडियो निकालने देगा कि नहीं देगा, यही है मुझे लगता रहा है, यही है, तो देखते हैं पूछते हैं। यही रहा अमिताभ जी का बंगला जो कि पुराना वाला है, नया वाला तो आपको दिखा दिए हैं जो कि जुहू बीच पे है, ये अमिताभ बच्चन का दूसरा वाला है जो कि आपको दिखा दिए। भैया भी दौड़ करके आ गए हैं तो यही है, आप देख लिए हो यहाँ से अच्छी तरह से दिख रहा है। तो गाइस आपको दिखा दिए थोड़ा सा, यही था अमिताभ बच्चन जी का पुराना वाला बिल्डिंग जो कि आपको दिखा दिए। अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे भाई, क्योंकि यह बिल्डिंग नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा गेट ही लगा है कि क्या बताएं। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कुछ रहेगा तो दिखाएंगे। ऐसा अमिताभ जी का दूसरा बंगला भी आपको दिखा दिए जो कि जूना वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक चीज़ अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।